Hello students, welcome to science class 10th by Gaurav sir and we are doing the lecture acid bases and salts aur is lecture ka aaj hum baat karenge lecture number 9 ke bare mein. So let's start our acid bases and salts. To bacho last lecture mein humne baat kari thi washing soda ke bare mein aur aaj hum baat karne wale hain kiske bare mein. Aaj hum baat karne wale hain agle salt yani ke baking soda ke bare mein. इससे पहले कि मैं बेकिंग सोडा को आगे शुरू करूं, आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तब तक सोच के रखिएगा जब इसका आंसर के बारे में हम बात करेंगे कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर क्या दोनों एक ही चीजें होती हैं, और अगर एक नहीं होती है तो दोनों में क्या फर्क होता है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या फर्क होता है. तो चलिए बात करते हैं किसके बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में. तो बच्चों बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा के बारे में. बेकिंग सोडा क्या होता है, इस केमिकल फॉर्मूला इज NaHCO3 और इसका केमिकल नेम क्या हुआ, इसका केमिकल नेम हुआ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर हम बोलेंगे क्या सोडियम बाइकार्बोनेट. तो याद करिएगा मैंने आपको सॉल्ट्स पढ़ने नाम लिखने सिखाए थे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम होता है. बच्चों बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन वैसे तो आप लोग पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों को आइडिया हो कि आप लोगों ने बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन कहाँ पढ़ी थी तो मुझे बताओ. मैंने आपको इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ाई हुई है तो आप गेस करो बताओ कहाँ पढ़ी थी आपने. जल्दी से दिमाग लगा के मुझे बताएंगे कि बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन कहाँ पढ़ी थी. हरी अब हरी अब हरी अब गिव मी द आंसर, मैं आंसर करिएगा बहुत जल्दी से. नहीं मेरे यहाँ तो पढ़ी थी भाई, वो तो मैं समझ रहा हूँ संयम, लेकिन कौन से लेक्चर में पढ़ी थी वो तो मैंने पढ़ाई थी. ऑफकोर्स मैं ही पढ़ाऊंगा बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन, और कौन पढ़ाएगा, अब मैथ्स वाले थोड़ी कहेंगे बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन पढ़ लो. हाँ वेरी गुड, इन द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा जब हम पढ़ रहे थे तभी हमने बेकिंग सोडा भी बनाया था, तो हम उसी के बारे में आगे बात कर रहे हैं. इसका मतलब एक तरीके से आपने बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन पहले से ही पढ़ रखी है, पहले से आप जानते हैं कैसे दिखेगा. ढेंटन ये तो ये आ गए हमारे पास, क्या ये आ गए हमारे पास बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन. याद करिए मैंने क्या कहा था, जब हम वॉशिंग सोडा बनाते हैं तो हम सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा वॉशिंग सोडा बनाते थे, उसमें तीन स्टेप्स हुआ करते थे. बस आपको तीन की जगह दो स्टेप यूज करने और आपका काम खत्म हो जाएगा. क्या, सबसे पहले आपको लेना है ब्राइन, ब्राइन जो कि क्या होता है NaCl का एक्वस सॉल्यूशन होता है, और फिर आपको लेना है कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड अमोनिया साथ में CO2 H2O, और आपको दो चीजें मिलती हैं सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड. अब क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो लेस सोल्यूबल होता है या वो PPT बन के नीचे बैठ जाता है, तो हम उसको फिल्टर कर सकते हैं, फिल्टर करके अलग कर सकते हैं सोडियम कार्बोनेट को. और जैसे ही सोडियम कार्बोनेट को अलग करके फिल्टर करोगे तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, बेकिंग सोडा मिल जाएगा. और बेकिंग सोडा के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, उसका फिर सोडा ऐश वगैरह बना सकते हो, आगे बात की बात है. तो इस तरीके से हमें क्या करना है, बाइकार्बोनेट इज सिंपली सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस. तो बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए हम सोल्वे प्रोसेस का ही दोबारा यूज कर सकते हैं. नहीं ये सोल्वे प्रोसेस नहीं चलाएगा कहलाएगा, सारे तोतले हो रहे हो तुम आज, ये सोल्वे प्रोसेस नहीं कहलाएगा, ये बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन कहलाएगी. सोल्वे प्रोसेस देखो वो एक नाम से पहचाना जाता है. अच्छा क्वेश्चन है ये, जब हम कभी किसी नेम रिएक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो रिएक्शन स्पेसिफिक होगी, उसमें चेंज नहीं होगा. अभी तो तुम सिर्फ एक दो नेम रिएक्शन पढ़ रहे हो, जब 12th क्लास में आओगे तो अराउंड 50-60 नेम रिएक्शन है, छोटी छोटी है पर 50-60 नेम रिएक्शन है, वो सारी हमें पढ़नी है. तो नेम रिएक्शन में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये सोल्वे प्रोसेस नहीं कहलाएगा. सोल्वे प्रोसेस इज द प्रोसेस बाय विच वी प्रिपेयर व्हाट, बाय विच वी प्रिपेयर दैट इज वॉशिंग सोडा. तो बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा है NaHCO3, और उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, उसकी प्रिपरेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ब्राइन अमोनिया CO2 और H2O को मिक्स करके उसके बाद जो रिएक्शन करेंगे उसके बाद फिल्टर करेंगे, तो हमें फिल्ट्रेट में क्या मिल जाएगा, बेकिंग सोडा मिल जाएगा. आइए बच्चों बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा के बारे में. बेकिंग सोडा नाम से पता चल रहा है बेक करना आपको कोई चीज तो उसमें यूज होगा, तो बेकिंग सोडा जो है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे हमने बेकिंग सोडा को हीट करा था तो वो क्या निकालता है, सोडा ऐश निकालता है और CO2 निकालता है. तो हम ये भी कह सकते हैं कि बेकिंग सोडा इज यूज टू प्रिपेयर कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो उसको हम बेकिंग सोडा से बना सकते हैं. खैर इसकी प्रॉपर्टीज क्या है बेकिंग सोडा की, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे वॉशिंग सोडा भी व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड था, बेकिंग सोडा भी व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है. लेकिन फर्क क्या है, सबसे बड़ा प्रॉपर्टीज का जो फर्क है, वॉशिंग सोडा पानी में बहुत अच्छे से सोल्यूबल था लेकिन बेकिंग सोडा सिर्फ स्पेरिंगली सोल्यूबल यानी कि कम कम सोल्यूबल होता है. हाँ बिल्कुल नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा, बट आपको नोट पे लिखा हुआ मिलेगा क्या है बेकिंग सोडा. तो बेकिंग सोडा पानी में सोल्यूबल तो है पर स्पेरिंगली मतलब बहुत ना के बराबर सोल्यूबल है, कम सोल्यूबल है.
एंड इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। जैसे हमने पढ़े थे बच्चों माइल्ड नॉन कोरोसिव एसिड्स, जैसे कि एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड जो हम खा सकते हैं, ऐसे ही बेकिंग सोडा भी हम खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो बेकिंग सोडा भी क्या है बच्चों, बेकिंग सोडा भी माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है। तो जैसे माइल्ड नॉन कोरोसिव एसिड होते हैं, ऐसी कुछ कुछ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस भी होते हैं। तो बेकिंग सोडा को आप कंज्यूम कर सकते हो, फूड में डाल सकते हो। डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए बेकिंग सोडा को फूड में? एंड ऑन हीटिंग इट गिव्स सोडा ऐश, इट गिव्स सोडा ऐश। साथ में क्या देता है बच्चों, साथ में ये सोडा ऐश देता है जब इसको हीट करते हैं। तो हमने रिएक्शन पढ़ी थी सॉल्वे प्रोसेस में, NaHCO3 को जब हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा, NaHCO3 को जब हम हीट कर रहे थे, दो ले लेते हैं यहाँ पर, तो हमें मिलता था Na2CO3 यानी कि सोडा ऐश, और हमें क्या मिला था बच्चों, साथ में मिला था CO2, साथ में मिला था H2O। ठीक है, बेकिंग सोडा के यूजेस की बात करिए तो बेकिंग सोडा इज यूज एज एंटासिड। एंटासिड का मतलब क्या हुआ, याद करिए हमने बात करी थी, हमारे स्टमक में जब ज्यादा खाना खा लेते हैं, भटूरे वटूरे ज्यादा पेल लिए, फीके मिल रहे हैं, समोसे पेल लिए, है ना, कई बार क्या होता है शादी वादी में जाते हैं तो सोचते हैं कि भाई 501 रुपये दिया है तो कम से कम 1001 का तो खाना खाना ही पड़ेगा ना, तो पनीर टिक्का भी ले, साथ में आइसक्रीम भी ले, कोल्ड ड्रिंक भी ले, कुछ चीज़ छूट ना जाए, गोलगप्पे भी ले, ये भी ले। कुछ लोग तो पर्चा लेके जाते हैं, हाँ भाई 50 रुपये का ये हो गया, 100 रुपये का ये खा लिया, 20 रुपये का यार 10 रुपये रह गए, चलो ये गोलगप्पा और खा लेते हैं, ऐसे भी होते हैं ना, खूब पेलते हैं, उन्हें ये याद नहीं रहता कि भाई जीभ अपनी है तो पेट भी अपना है, उसको भी बचा के चलना है। खैर तो मजाक कर रहा हूँ, तो एसिड बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, एंटासिड यूज़ करते थे, जैसे कि इनो हम लेते हैं, इनो होन, एसिडिटी होन, पॉलीक्रोल लेते हैं, पुदीन हरा लेते हैं, और एक मुझे जो ज़्यादा सबसे बड़ा लगता है, मुझे हींग गोली का ऐड आता है ना, हींग गोली, वो आदमी हींग गोली खाता है हवा में उड़ जाता है गुब्बारे की तरह, तो हींग गोली का ले लेते हैं, तो ये सब क्या है, एंटासिड है। क्या है, एंटासिड्स है। लेकिन बेकिंग सोडा भी अपने आप में एंटासिड है। अब बेकिंग सोडा के साथ एक प्रॉब्लम है बच्चों, प्रॉब्लम क्या है अगर आप बेकिंग, हाँ डाइजीन भी ले लेते हैं, डॉक्टर बन जाओ सारे हम, बेकिंग सोडा के साथ प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने बेकिंग सोडा ज्यादा मात्रा में खा लिया तो क्या होगा, इफ यू कंज्यूम बेकिंग सोडा इन मोर अमाउंट, और आपको एसिडिटी नहीं है तब भी आप बेकिंग सोडा खा रहे हो, भाई जैसे मान लो बेकिंग सोडा कहाँ यूज हो रहा है, बेकिंग में यूज हो रहा है, अब आपको एसिडिटी तो है नहीं, लेकिन आपने केक बनाया, केक में बेकिंग सोडा डाल दिया। अच्छा आपको याद होगा, मैं जब केक की बात करता हूँ मैं आपको बताऊँ, जनरली लोग केक में क्या डालते हैं, जनरली लोग केक में क्या डाल देते हैं, आजकल केक बनाते हैं ना लोग घर पे, नहीं ईस्ट तो नॉर्मली डलता है, आजकल केक को बेक करने के लिए क्या डालते हैं, इनो डाल देते हैं, है ना, क्या डाल देते हैं, आजकल लोगों को नया मतलब फीमेल्स को पता चला भाई इनो से भी काम है, क्योंकि इनो में क्या है, इनो में बेकिंग सोडा है, तो इनो डाल देते हैं। अब बेचारा इनो जिसने बनाया था उसने सोचा था एसिडिटी कम करने की चीज़ बना रहा हूँ, और लोगों ने उसी को किस में डाल दिया, केक में, भटूरों में, सब में डाल दिया। सोचो हमारे इंडिया में तो जिस चीज़ के लिए बनाया था उसी का बेड़ा गर्क कर दिया, इनो को भटूरों में डाल रहे हैं, बताओ, वो चीज जो भटूरों की एसिडिटी खत्म करने के लिए बनाई गई थी उसी से भटूरे बना रहे हैं, है ना। खैर तो उसमें भी क्या आ गया, उसमें भी हमारे पास एंटा एसिड आ गया, तो एंटा एसिड उसकी तरह यूज होता है, लेकिन अगर आपने इसे ज्यादा यूज कर लिया तो क्या होगा, तो ये आपकी बॉडी में बेसिसिटी बढ़ा देगा, फिर उस बेसिसिटी को कम करने के लिए आपकी बॉडी से और HCl निकलेगा और एसिडिटी बढ़ेगी, पता चला एसिड बेस, और आपकी बॉडी में एसिड बेस का इतना ज्यादा इम्बेलेंस होगा कि पेप्टिक अल्सर्स जैसे हो सकते हैं, पाइल्स हो सकती है, और कोई भी आपको इंटेस्टाइनल डैमेजेस हो सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के हमें ये चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए। हम मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके ये नहीं कह रहा हूँ कि घर में आप उनको मना करिए कि इन्हों नहीं डालना है, बट यू शुड नो कि आप कितना अमाउंट डाल रहे हो, कितना कंज्यूम कर रहे हो, और वो आपकी हेल्थ को कितना हार्म या कितना फ़ायदा पहुँचाएगा, क्योंकि सबकी बॉडी सब तरीकों से मैनेज नहीं कर पाती चीज़ों को, खाने को। और वैसे भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने कहा है, पेट सफा तो हर रोग क्या, हाँ तो पेट आपका सफा रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि रोग लग जाए, तो पेट सफा तो हर रोग दफा। ठीक है, अब उसके लिए कायम चूर्ण खाओ, तो मतलब पहले इनो खाओ, फिर भटूरे खाओ, फिर कायम चूर्ण खाओ, बस जिंदगी में यही लगे रहो, है ना। खैर तो ये हो गया। अब बेकिंग सोडा का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि बेकिंग सोडा CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ये फायर को एक्सटिंग्विश बुझाने में मदद करती है। क्यों, देखिए आग लगाने के लिए क्या जरूरी है, आग लगानी है कहीं पर तो क्या जरूरी है, वैसे तो वंश ने बाकी सबने सही जवाब दे दिया, पर आग लगाने के लिए बातें जरूरी है, किसी को बातों से आग लग जाती है ना, किसी को जलाना हो तो
तो मैच स्टिक जरूरी है, ठीक है, या अच्छी सी कहीं फोटो खींच के डाल दो फेसबुक पे, तो ही लोगों के दिल में आग लग जाती है। आग लगाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सच में आग लगाने के लिए चाहिए होती है वो क्या होती है, वो होती है ऑक्सीजन। अब अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सरफेस पे आग नहीं लगेगी। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, ऐसी सरफेस पे जिस पे आग लग रही है वहां पर वो क्या कर देता है, वहां पर वो CO2 की लेयर बना देता है। अब जैसे ही CO2 की लेयर बनती है, जैसे ही CO2 की लेयर बनती है तो वहां पर क्या होता है, आग बुझ जाती है। तो ये किसकी तरह काम करता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है, ठीक है जी। तो आगे से कोई कहे ना, कोई मान लो तुमसे जल रहा हो, तो कोई तुम्हारी बातों से जल रहा हो, तुम्हारे मार्क्स से जल रहा हो, तो उसे बोल देना कि भाई एक काम कर, थोड़ा बेकिंग सोडा ले ले, प्यार से भाई थोड़ा बेकिंग सोडा ले ले, उसको समझ में नहीं आएगा तुम क्या कह रहे हो और तुम्हारी बात हो जाएगी। साइंस का मजा ही अलग है भाई साहब। साइंस में आपको किसी को गालियां देनी है, किसी को डांटना है, किसी को प्यार से कुछ कहना है, किसी को कुछ बोलना है, मतलब मैं साइंस में तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, तुम कहोगे सर ये भी होता है, हाँ ऐसा भी होता है, मतलब यू कैन इम्प्रेस, यू कैन डिप्रेस, यू कैन डू एनीथिंग विद साइंस। साइंस की लैंग्वेज में आप कुछ भी बोल सकते हो। इसके बाद आता है भैया बेकिंग सोडा का असली काम, जिसका तुम वेट कर रहे थे, बेकिंग सोडा इज यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। तो इस लाइन से ये बात तो तय हो गई कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में फर्क होता है। अब वो क्या फर्क होता है कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। तो आपके सामने बच्चों आंसर है क्या हमारे पास, बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एनी माइल्ड एडिबल एसिड, जैसे कि टार्ट्रिक एसिड। खाया किसी ने कभी टार्ट्रिक एसिड, देखा किसी ने कभी टार्ट्रिक एसिड कैसा होता है, व्हाट इज टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड कैसा होता है, टार्ट्रिक एसिड इज थोड़ा खट्टा खट्टा सा, चूरन वगैरह में डलता है ना, तो क्या करता है आप देखो सुनो, एसिड खट्टा होता है तो टार्ट्रिक एसिड खट्टा हो गया, और बेस कैसा है, बिटर होता है, तो कड़वा खट्टा सा थोड़ा सा टेस्ट को बैलेंस भी कर देता है। तो बेकिंग पाउडर ना तो सिर्फ बेकिंग सोडा के हार्मफुल इफेक्ट्स को कम कर रहा है टार्ट्रिक एसिड, साथ में टेस्ट को भी बैलेंस कर रहा है, तो थोड़ा होम साइंस भी हो जाती है, ठीक है, साथ में थोड़ा टेस्ट को भी बैलेंस कर रहा है। तो अभी क्या करना, जैसे मान लो आपकी फैमिली में जैसे मम्मी कभी इनो वगैरह डाल रही होंगी, तो उनसे बोलो ये बेकिंग सोडा मत डालो, इसमें बेकिंग पाउडर डालो ना, थोड़ा टेस्ट वगैरह ऐसे वैसे हो जाएगा। लेकिन हाँ, उससे पहले क्या करवाना पड़ेगा आपको, जब मम्मी को अगर सिखाओगे खाना कैसे बनाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, मेडिकल इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, याद है मैंने बताया था, तो जैसे वो जब हमने हल्दी पड़ी थी तो वो करवा लेना, ठीक है। खैर, तो ये क्या हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्या कोई और एसिड हो सकता है, बिल्कुल, टार्ट्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, जो भी हम खा सकते हैं, कोई सा भी माइल्ड एसिड हम यूज कर लेते हैं, वो कहलाता है बच्चों क्या, बेकिंग पाउडर। अगर हम दो शब्दों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट और स्टरलाइजेशन, हमारा अगले टॉपिक की वजह से कर रहा हूं मैं इसलिए, तो जैसा कि आप लोग बता रहे हो कि सर दोनों ही मतलब माइक्रोब्स को किल कर रहा है, पैथोजन को किल कर रहा है, लेकिन डिसइंफेक्टेंट क्या कर रहा है, वो पैथोजन का लोड कम कर रहा है, पैथोजन का लोड कम कर रहा है। जबकि स्टरलाइजेशन क्या कहता है कि भाई साहब वहां पर कुछ मिलेगा ही नहीं, वहां पर कुछ मिलेगा ही नहीं, स्टरलाइजेशन जो है वो ये कहता है कि वहां पर कुछ मिलना ही नहीं है, आप बिल्कुल लोड कम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी भी चीज को स्टरलाइज कर दिया है तो वहां पर एक भी बैक्टीरिया नहीं मिलेगा, आपको एक भी बैक्टीरिया वहां पर घूमता हुआ नहीं मिलेगा। आपको याद है जैसे साबुन वगैरह का, या कभी कभार आप ये मान लीजिए कि क्या कहते हैं, किसी डिटर्जेंट का या किसी भी केमिकल कंपाउंड का जो है ऐड आता है, जैसे डिटोल का ऐड आता है ना, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं 100% बीमारी से बचाए, लेकिन वो कभी भी 100% बैक्टीरिया किल कर दे ऐसा नहीं कहते। क्या कहते हैं, इट विल किल 99.9% बैक्टीरिया, कहते नहीं कहते, या क्या कह देंगे कि भैया जो जो आपको बीमार कर रहा है उसे किल कर देगा, पर 100% किल नहीं होगा, जो आपको बीमार कर रहा है उसे किल कर देगा पर 100% किल नहीं होगा, सब बोलते रहे 99.9%। जैसे मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, अभी ये मैडम क्या कह रही है, तो ये अपने को डॉक्टर जो समझ रही है, ये मैडम क्या कह रही है, ये मैडम ये कह रही है इट किल्स 100% क्लीनिंग, किल्स क्या क्या कर रहा है, इलनेस कॉजिंग जर्म्स को, लेकिन ये दावा नहीं कर सकते कि 100% माइक्रोब्स मर गए, कोई भी ये नहीं कहने का 100% माइक्रोब्स मर गए, है ना, तो 100% माइक्रोब्स मारना इनके बस की ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भैया ये डिसइंफेक्टेंट की बात कर रहे हैं, ये स्टरलाइजेशन की बात नहीं कर रहे, कोई भी साबुन स्टरलाइज नहीं कर सकता। स्टरलाइज का मतलब है, बिल्कुल केस हो जाएगा, स्टरलाइज का मतलब है 100%,
100% लिविंग बींग्स फ्री, कोई भी चीज जिंदा चीज मान, यहां तक कि वायरस भी नहीं होंगे, लिविंग बींग्स तो नहीं होंगे साथ साथ वायरस भी नहीं होंगे, वायरस भी वहां प्रेजेंट नहीं हो सकते, वो बिल्कुल साफ सुथरा कर देगा। तो इन दोनों में ये फर्क है। अच्छा अब एक बार बताओ, डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट और सैनिटाइजर में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसइंफेक्टेंट एंड सैनिटाइजर? बोलो बोलो, ये नहीं पता है ना। ये भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह यानी कि माइक्रोब्स को किल करता है। जनरली हम डिसइंफेक्टेंट वर्ड यूज करते हैं बच्चों किसके लिए, जनरली हम डिसइंफेक्टेंट वर्ड यूज करते हैं, जनरली हमेशा नहीं पर जनरली हम वर्ड यूज करते हैं किसके लिए, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब ये क्या वर्ड है सर, इन एनिमेट यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए। जैसे एक वर्ड आता है हार्पिक, सुना नाम हार्पिक, और एक है डिटॉल, दोनों में क्या फर्क है? कभी चोट लगी तो कभी किसी ने बोला थोड़ा हार्पिक लगा लो, ऐसे बोला ना कि चोट लग गई तो हार्पिक लगा लो थोड़ा सा, है ना, हार्पिक को पानी में डालो गई में लगा, क्यों? हार्पिक तो बहुत बड़े माइक्रोब्स को किल करता है, हार्पिक तो तुरंत माइक्रोब्स को किल कर देगा, इससे बड़े तो बात ही क्या है। खामो खामे तुम इतना महंगा महंगा, जब अभी कोरोना फैला था इतने महंगे महंगे सैनिटाइजर ला रहे थे, फिर एसिडिक होता है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, वो कोरोसिव होता है, वो आपको हार्श होता है, यस, तो वो नॉन लिविंग पे चल जाता है। सैनिटाइजर जनरली दोनों पे चल जाता है, नॉन लिविंग पे भी और लिविंग पे भी। तो डिटोल को आप ऑब्जेक्ट्स पे भी लगा सकते हो, डिटोल को आप बॉडी पे भी लगा सकते हो। तो सैनिटाइजर में और डिसइंफेक्टेंट में जनरल, मैं ये नहीं कह रहा हूं हमेशा, पर जनरल फर्क क्या होता है, जनरली अगर हम टेक्निकल बात करें तो डिसइंफेक्टेंट वो चीज होती है जिसको हम जनरली यूज करते हैं, किसमें, जिसको हम जनरली यूज करते हैं इन इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि हार्पिक हो गया, या जैसे कि एक वो शीशे को साफ करने वाला कॉलिन हो गया। तो ये एक तरीके से क्या है कि डिसइंफेक्टेंट की तरह और क्लींजिंग एजेंट की तरह काम करते थे। अब बच्चों इसमें हमें एक चीज और भी पढ़नी है, हमें क्या पढ़ना है बेसिकली, हमें ब्लीचिंग पाउडर और डिसइंफेक्टेंट के बारे में पढ़ना था, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक जो मैंने आपको ये सारी बातें बताई वो हमारे अगले टॉपिक से कंसर्न करती है, इसलिए मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, गर्ल्स को पता होगा व्हाट इज ब्लीचिंग। यस, डिसइंफेक्टेंट समटाइम कैन बी यूज फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग, वो एक अलग बात है। हाइजीनिक का मतलब होता है कि वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि बैक्टीरिया है या नहीं है या वायरस है या नहीं है, पर हाँ वो साफ सुथरा है, आप उसे खा सकते हो, बैठ सकते हो वहां पर, और वो गंदगी नहीं है, बीमारी नहीं करेगा, है ना। जैसे अब एक बात बताता हूँ आपको, दही है, दही हाइजीन है या स्टरलाइज है? दही में तो बैक्टीरिया होता है, बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस है, बहुत सारा बैक्टीरिया है, तो दही हाइजीन है, स्टरलाइज नहीं है, ठीक है ना, साफ सुथरी दही बनी हुई है, ठीक है, आप खा सकते हो, तो हाइजीन होगा एक तरीके से, हाइजीनिक फूड होता है ना, इस तरीके से शायद। देख तनीषा कह रही है सर ब्लीच तो शायद फेस पे, जैसे कभी यूज ही ना करा, हमें तो पता ही नहीं सर, हमें तो पता ही नहीं ब्लीच क्या होता है, हमें फेस मास्क पता है, हेयर मास्क पता है, सीरम पता है, पर ब्लीच तो सर शायद, है ना, ऐसे दिखाएंगी लड़कियां जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं जी, कुछ भी सब पता है। ब्लीच क्या होता है जी? बिल्कुल फेस पे यूज होता है, कलर को डीकलराइज करने के लिए यूज होता है, लेकिन सिर्फ क्या कहते हैं ब्यूटी पार्लर्स में यूज होता है ऐसा नहीं है सर, अभी हमारी उम्र ही क्या है। हाँ तो मेकअप कह रहा हूँ कि तुमने यूज करना है, अरे वाह क्या बात कर रहे हो भाई, मेकअप कह रहा हूँ तुम्हें यूज करना है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ। अब अनुवंश कह रहा ये अभी दही पे अटका हुआ है, इसने दिमाग की दही कर रखी है, ये अभी तक दही को स्टरलाइज करने में लगा हुआ है, भाई उसमें थोड़ा हार्पिक डाल दियो स्टरलाइज हो जाएगी, दही में थोड़ा हार्पिक डाल दियो स्टरलाइज हो जाएगी बेटा, ठीक है, बल्कि ज्यादा डाल दियो, तू तो एक काम करियो अनुवंश, तू पांच छह ढक्कन डाल ही दियो, और भाई उसके बाद ना एक बात मैं पहले बोल रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी नहीं, उसके बाद तेरा क्या होगा, कह रहा दही को स्टरलाइज कर दो, अब जब वो बैक्टीरिया उसके अंदर है ही तो कहां से स्टरलाइज कर दूं। खैर तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे ब्लीचिंग एजेंट की। तो ब्लीचिंग एजेंट क्या हुआ बच्चों, ब्लीचिंग एजेंट इज समथिंग व्हिच कैन डीकलराइज द ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग चीजों को डीकलराइज कर सकता है, यूज टू क्लीन क्लोथ, नहीं क्लीन क्लोथ नहीं कहेंगे, क्लीन नहीं करते वो लोग ना, इलीगल लोग होते हैं, वो क्या करते हैं
जैसे मान लो तुम्हारे घर से नीले रंग की शर्ट ले गए, जैसे वो बर्तन वाले आते हैं ना, बर्तन दे दो, पुराने कपड़े ले लो, उस तरीके से है ना, तो तुम वो करते हो, वो क्या करते हैं, मान लो तुम्हारे घर से कोई पुरानी सी नीली शर्ट ले गए, उसको ब्लीचिंग पाउडर में, ब्लीचिंग सोल्यूशन में डाला, बाहर निकाला, सारा कलर गायब हो गया, वो बिल्कुल व्हाइट बन गई, पर वो है तो पुरानी ना, है ना। तो कपड़ों को साफ नहीं करते, खराब करते हैं, ठीक है। तो इट मेक क्लोथ कलरलेस, इट मेक स्किन कलरलेस। तो ये क्या होता है, कलर सब्सटेंस से कलर हटाने का तरीका होता है, वो ब्लीचिंग एजेंट कहलाता है, ठीक। और डिसइंफेक्टेंट हमने बात कर ही ली कि वो किल करता है किसको, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को, लाइक बैक्टीरिया, नोन एज डिसइंफेक्टेंट। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोअन्स, इनको किल करता है, तो वो क्या कहलाता है, डिसइंफेक्टेंट कहलाता है। हम क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज, हमने क्यों बात करी डिसइंफेक्टेंट के बारे में, हमने क्यों बात करी ब्लीचिंग एजेंट के बारे में, बस सर ऐसे ही हमारा मन कर रहा था, है ना, टाइम पास करना था। नहीं, टाइम पास नहीं करना था, क्योंकि तो हमारा अगला सॉल्ट है बच्चों, क्या हमारा अगला सॉल्ट है, ब्लीचिंग पाउडर। द नेक्स्ट सॉल्ट वी हैव टू लर्न इज ब्लीचिंग पाउडर, द नेक्स्ट सॉल्ट वी हैव टू लर्न इज ब्लीचिंग पाउडर। तो क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इज सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 इज ब्लीचिंग पाउडर। और इसका एक और नाम होता है क्लोराइड ऑफ लाइम, क्लोराइड ऑफ लाइम, क्योंकि लाइम वाटर से बन रहा है, क्लोराइड ऑफ लाइम क्योंकि लाइम वाटर से बन रहा है। अभी हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो समझेंगे किससे बन रहा है ये बन रहा है लाइम वाटर से। कैसे बन रहा है, हम CaOH2 को जब Cl2 पे एक्ट करते हैं, जब हम CaOH2 को CO2 पे एक्ट करते हैं, तो उससे बनता है बच्चों हमारे पास क्या, उससे बनता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। एक सेकंड, जरा मैं इसे ठीक से टाइप कर रहा हूँ बच्चों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टाइपिंग एक्चुअली वाइट बोर्ड पे कर देती है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बच्चों ब्लीचिंग पाउडर। तो दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में थोड़ी और बात करते हैं, मैंने CaOCl2 ही बोला है, मैंने कब, मैंने सोडियम बोल दिया क्या, कैल्शियम ही तो बोला था मैंने। हाँ बिल्कुल, हमारी स्किन के लिए हार्मफुल है ब्लीचिंग पाउडर, और भी जो कॉस्मेटिक्स हैं बहुत हार्मफुल होते हैं, बहुत तो नहीं पर हाँ हार्मफुल होते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा, जैसे लिपस्टिक होती है, मान लो लिपस्टिक की बात करें, उसके बारे में बात करूंगा अभी, लिपस्टिक कैसे बनती है वो बताऊंगा तुम्हें इसी चैप्टर में, बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, या मतलब नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, ठीक है। और वो हार्मफुल कैसे होती है, क्या होती है, ये सभी बताऊंगा, वो सब बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, पीपीटी बन के बैठ जाता है, इसे हम अलग कर लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर। अब इसके यूजेस की बात कर लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। तो प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें, क्या होती हैं इसकी प्रॉपर्टीज, तो देखिएगा बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज, ये सारी प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, लेट्स लर्न दीज प्रॉपर्टीज नाउ, ठीक है बच्चों। तो क्या है ये, इट इज अ वाइट पाउडर विच गिव अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। तो जब आप ब्लीच वगैरह करेंगे किसी भी चीज़ को, तो उसमें से कैसी स्मेल आती है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। इट इज़ अ वाइट पाउडर विच गिव अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, ठीक है। इट इज़ सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, ब्लीचिंग पाउडर आराम से कोल्ड वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड्स के साथ टू प्रोड्यूस क्लोरीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डिस्कस करेंगे बच्चों, क्योंकि अभी टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज है, तो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक टुमारो, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करते हैं, और कल यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है आपका ये चैप्टर खत्म हो जाए, एंड देन वी विल हैव अ टेस्ट फॉर दिस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों इसको, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे।